नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में विप्रो को डिस्कस करेंगे। विप्रो के क्वार्टरली नंबर्स आने हैं। हमने देखा टीसीएस का नंबर आया, टीसीएस दौड़ लगाया, इन्फोसिस का नंबर आया, इन्फोसिस दौड़ लगाया, तो क्या विप्रो के नंबर पे विप्रो 600-620 दिखाएगा क्या? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि बाजार एग्जॉस्ट होते दिख रही है। विप्रो से पहले जो नंबर्स आए तब बाजार में भी स्ट्रेंथ था, अभी बाजार थोड़ा पाउज जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा इसके एक्सपेक्टेशन और ट्रेंड को समझें। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। विप्रो के रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन फ्लैट पॉजिटिव दिख रहा है, इबिट भी फ्लैट पॉजिटिव दिख रहा है, मार्जिन एज इट इज दिख रहा है, रेवेन्यू इन डॉलर एज इट इज के आसपास का ही दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन को बीट करते नंबर्स दिख सकता है। आज का वॉल्यूम 96 लाख का है। अपडेट में यही एक अपडेट है कि एग्रीमेंट वाले जो हमने कल भी डिस्कस करे थे, अनाउंसमेंट देखेंगे तो ईसॉप कंपनी ने 18 को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अलॉट करे हैं। Q1 से पहले कंपनी ने स्टॉक बांटे हैं, लगभग देखेंगे तो 46,000 और 18,000, लगभग जो है 60,000 के आसपास का स्टॉक कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू अलॉट करे। और यहाँ ये देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस ये सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ से रिट्रेस ब्रेकडाउन, तो ये अगेन रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट करे फर्दर तेजी से पहले। तो जब तक 4546 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड स्ट्रांग है, और यहां से ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट लगभग 620 और दूसरा 740, तो थोड़ा बहुत भी नंबर्स एक्सपेक्टेशन के ऊपर आया तो 620 जैसा टारगेट हिट करते देख सकता है।